गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं क्लास फोर्थ का EBS पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर फोर पार्ट वन, हाउ दे लर्नड दियर स्किल्स। ईच काइंड ऑफ ऑक्यूपेशंस रिक्वायर्स इट्स ओन स्किल्स आर ट्रेनिंग। देयर आर मेनी जॉब्स विच वी कैन नॉट डू ऑन आवर वर आवर ओन एज वी डू नॉट पासेज द रिक्वायर्ड स्किल्स बी डिपेंड ऑन अदर्स टू गेट दीज जॉब्स डन। एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज रिफर्ड टू एज ए प्रोफेशन। पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स एंड कैपेसिटी। पीपल वर्क एज पोटर्स टेलर्स कोबलर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स लेबरर्स हॉकर्स मैसन्स कारपेंटर्स स्मिथ्स डॉक्टर्स नर्सेज एंड टीचर्स। सम पीपल वर्क इन ऑफिसेज आल्सो। सो पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एंड हेल्प ईच अदर। पीपल एट वर्क, प्रशांत इज ए पोटर। ही लिव्स इन ए स्मॉल विलेज। ही मेक्स ब्यूटिफुल क्ले पॉट्स ऑन ए पोटर्स व्हील। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर बेयर आल्सो पोटर्स। ही लर्नड द आर्ट ऑफ मेकिंग पार्ट्स बाई ऑब्जर्विंग देम। रामू इज ए टेलर। ही यूजेज ए सेविंग मशीन टू स्टाइच क्लॉथ्स। ही आल्सो एम्ब्रॉयडर्स ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑन ड्रेसेज एंड सारीज यूजिंग ए नीडल एंड थ्रीड। ही लर्न दिस स्किल फ्राम हिज फादर। हिज डॉटर इज आल्सो इंटरेस्टेड इन स्टाइचिंग। सी गोज टू ए वोकेशनल कॉलेज। देयर सी लर्नस टू डिजाइन एंड स्टाइच क्लॉथ्स। उन्होंने अपना कौशल कैसे सीखा? प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए अपने स्वयं के कौशल या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसे कई काम हैं जो हम अपने दम पर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आवश्यक कौशल नहीं है। हम इन कार्यों को करने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। एक व्यवसाय जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण और औपचारिक योग्यता की आवश्यकता होती है उसे एक पेशा कहा जाता है। लोग अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार व्यवसाय करते हैं। लोग कुम्हार दर्जी मोची फल और सब्जी बेचने वाले मजदूर फेरी वाले राजमिस्त्री बढ़ई लोहार डॉक्टर नर्स और शिक्षक के रूप में काम करते हैं। कुछ लोग ऑफिस में भी काम करते हैं। इसलिए लोग इस तरह के काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। काम पर लोग प्रशांत एक कुम्हार है। वह एक छोटे से गांव में रहता है। वह कुम्हार के पहिए पर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता है। उसके पिता और दादा भी कुम्हार थे। उन्होंने उन्हें देखकर बर्तन बनाने की कला सीखी। कुम्हार रामू एक दर्जी है। वह कपड़े सिलने के लिए सिलाई मशीन का इस्तेमाल करता है। वह सुई और धागे का उपयोग करके कपड़े और साड़ियों पर सुंदर डिजाइन भी बनाते हैं। उन्होंने यह कौशल अपने पिता से सीखा है। उनकी बेटी को भी सिलाई का शौक है। वह एक व्यावसायिक कॉलेज में जाती है। वहां वह कपड़े डिजाइन करना और सिलाई करना सीखती है। धन्यवाद।